हेलो गाइज, वेलकम बैक। कैसे आप सब? तो गाइज, आज हम लोग दोबारा से खेलने वाले हैं फ्री सर्वाइवल फायर बैटल ग्राउंड। तो यार, नाम भी बहुत बड़ा और वैसे ये गेम मुझे बहुत ही अच्छी लगी है। और यार, मैंने ऑफ स्क्रीन 3-4 मैच खेले थे और हम लेवल 2 से लेवल 6 तक पहुंच चुके हैं। वैसे अभी भी इधर नाम तो नूबियर है, पता नहीं ऐसा क्यों है। तो यार, क्लासिक मैच खेलते हैं चलो, और ईजी करेंगे अभी के लिए। कल भी एक भी मैच नहीं जीते थे यार, आज मिनिमम एक तो जितना है, किल ज़्यादा होने चाहिए यार। मैच वैच जीतने से कुछ फर्क पड़ता है नहीं। सो गेम हो चुकी है अपनी स्टार्ट, और देखते हैं अब हम। सो यार, हम आ चुके हैं अपने प्लेन में। सो यार, अब देखते हैं किधर उतरेंगे। इधर यार ढेर सारे होम है, तो इधर ही उतर जाते हैं। चलो, हमें थोड़ा सा आसान पड़ेगा यार, बिकॉज गन बन इधर अच्छी खासी मिल जाएगी। और यार तो ठीक है, चलो उतर जाते हैं जल्द से जल्द। वैसे यार, इधर ढेर सारे उतरते ही होंगे, बिकॉज इधर ढेर सारे घर है, तो आराम से मिल जाएगा ना वेपन वेपन। सो आई थिंक तो सब इधर ही उतरेंगे। सो यार, अपनी पैराशूट की स्किन भी मुझे बहुत ही पसंद है, और यार बेस्ट ग्राफिक्स है। फ्री फायर और पबजी का मिक्स भी आप इसे कह सकते हो। सो चलिए, आज खेलते हैं ये, और उतरते ही यार एक आध गन मिल जाए अच्छी खासी। इधर से यार हम दौड़ भी सकते हैं, अच्छी बात है। हेलमेट वेलमेट मिल गई अब, बट यार गन नहीं मिली। गन के बिना तो ये गेम कुछ काम के ही नहीं है यार। जल्द से जल्द एक गन मिल जाए। नहीं मिली यार, अब हमें दूसरी जगह पर ही जाना पड़ेगा। इधर से यार जंप करके हम टाप भी सकते हैं दीवार वीवार को, सो ये भी अच्छी बात है। एक और मेड किट मिल चुका है यार। मेड किट का हम क्या ही करेंगे अगर गन नहीं होगी अपने पास। तो इधर से खिड़की को भी टाप सकते हैं। तो चलिए जल्द से जल्द यार एक आज गन मिल जाए। सबने मारना भी स्टार्ट कर दिया है एक दूसरे को, और अपने पास एक ढंग की गन भी नहीं है यार। गन के बिना इसमें हम हाथ से तो मार भी नहीं सकते। अच्छी खासी एक आध गन मिल चुकी है हमें, ठीक है यार थोड़ी देर के लिए। तो फिर तो किसी को मारेंगे तो उसकी गन भी हम ले लेंगे। अभी के लिए एक गन बहुत ही है। और यार मेड किट भी अपने पास 3 है, तो बहुत ही ज़्यादा है। चलो, और तो अब हम नीचे आ चुके हैं यार। कोई बंदा मिलेगा तो चलिए किल करेंगे आज। तो हम कल की तरह ऐसे नहीं खेलेंगे, बिकॉज यार कल तो मुझे आता नहीं था। मतलब कल तो मैं फर्स्ट टाइम खेल रहा था, लेकिन आज तो सेकंड टाइम है ना। सेकंड टाइम थोड़ा सा तो अच्छा होगा। AK-47 भी मिल चुके हैं यार, अभी के लिए तो मैं ऐसे ही यूज़ करूँगा। और यार एक हेलमेट भी मिल चुका है, सो हर एक चीज़ ले लेते हैं चलो। और यार बैग हो चुका है अपना फुल। इधर एक तो बंदा आया है। चलो चल चल बे, मर जा मर जा मर जा, प्लीज़ मर जा, मर जाना साले। चलो भाई, एक को तो मैंने मार दिया। इसका पास नॉर्मल शॉट गन है, तो शॉट गन तो मुझे नहीं चाहिए। हेलमेट भी अपने पास ही तगड़ा है, तो हेलमेट भी हम नहीं लेते। वैसे तो किसका ले, नहीं यार हेलमेट तो मुझे अपना ही पसंद है, बट ठीक है चलो ना इसे ले लेते हैं, ये उससे भी अच्छा है यार। वापस से दीवार को टाप लेते हैं और अंदर देखते हैं क्या है यार। एक किल तो अपने हो ही चुका है, और यार AK-47 से भी ज़्यादा खासी गन, अच्छी गन मिल चुकी है। सो वो ले लेते हैं और अब ऊपर जाते हैं। चलो अभी के लिए तो ये गन कोई बाहर रखते हैं, और चलिए अब ऊपर देखते हैं कोई बंदा है तो उसे भी मारेंगे साथ साथ में ही। और यार ये गन मुझे नहीं पसंद। सो यार स्कोप बोप की मुझे इसमें ज़रूरत तो है नहीं। सो नीचे उतर जाते हैं और अब इस घर में भी जाते हैं यार। जितना भी घर है ना, हर एक देख लो आप, अगर कहीं भी कोई अच्छी सी चीज़ मिल जाए तो। और यार हमें बैग अच्छा सा लेना पड़ेगा लेवल 3 का। लेवल 2 में इतना ज़्यादा चीज़ें भी नहीं आती है। और यार मेरी फेवरेट गन मुझे मिल चुकी है, SCAR-L, अच्छी बात है। चलो अब आएगा ना खेलने में मज़ा। यार थोड़ी देर घर में ही रहते हैं, बिकॉज वरना कोई ना कोई आके थप्पा तो कर ही जाएगा अपना। सो ठीक से रहते हैं, इधर कोने में रहते हैं। और इधर जो खिड़की है, उधर से हम बंदे को ध्यान रखेंगे, कोई भी आएगा तो सपा कर देंगे। एक किल है अपना यार, और अभी भी 33 बंदे अलाइव है, ओके ना। सो एक किल तो है ही अपना। इधर से कोई ना कोई बंदा गया है अभी यार। और यार स्किन देखो उसका, लेर की कितनी खतरनाक है। मैं अभी यार इसके लिए ही बाहर नहीं जा रहा, बिकॉज अगर मैं बाहर गया और किसी ने मुझे थप्पा कर दिया तो महंगा पड़ जाएगा ना इसके लिए। सो इसके लिए मैं अभी बस ऐसे ही खड़ा हूँ इधर, किसी को पता चल जाएगा। एक बंदा आ चुका है, गाइस 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 गाइस। सो इसका किल मुझे चाहिए, बे चुपचाप रुक जा, मर जाना।
इसकी रिलोड पे लगे, अपन की भी रिलोड पे लगी थी। बट ठीक है यार, अब इसका हेलमेट ले लेते हैं, बिकॉज अपना हेलमेट क्या ही काम का, बिकॉज यार उसने गोली लगा दी थी अपने हेलमेट में, सो थोड़ा सा डैमेज ले लिया था अपने हेलमेट में, तो मुझे अपना दूसरा हेलमेट ही करना पड़ा। सो उसका हेलमेट मैंने ले लिया स्कारल से, वापस 1 किल हो चुका है, अपने 2 किल हो चुके कुल। और यार मैंने 1 मिनट में 9 किल किए थे, सच में आप मानोगे नहीं, लेकिन किए थे। और यार अभी मैं थोड़ा सा डर डर के खेल रहा हूँ, बिकॉज वरना जीत नहीं पाएंगे अगर बहुत फॉर्म फॉर्म में आके खेलने लगे ना तो। और अपने पास फॉर्म मेडिकेट है तो ठीक है, कोई बस ठप्पा ना करते पीछे से। वैसे इसके लिए मैं कोने में हूँ, ताकि कोई किधर से भी हमें मार ना पाए। इधर खिड़की पर अपना एम है और इधर तो हम कवर में है। सो ठीक है, अब देखते हैं। गेम तो यार ऑनलाइन है, आपको भी पता होगा। सो इधर एक और बंदा है और उसने मुझे मारना स्टार्ट कर दिया है। किधर से मार रहा है अबे? इधर रहा गाइस, आएगा अब इधर से, कहा था ना इधर से आएगा। यार आ गया, तो अब मुझे वापस से कोने में ही जाना पड़ेगा। और यार मैं कभी भी मर तो नहीं सकता, तो यार लेकिन हेलमेट की ज़रूरत है मुझे। लेकिन यार इधर ढेर सारे बंदे हेलमेट लेने गए, तो किसी ने थप्पा कर दिया तो। और यार ऐसे ही है कि यार प्लीज़ यार मार मत, मार मत यार, मेडिकेट जल्द से जल्द कर लेते हैं चलो। और यार अपना हेलमेट इसने तोड़ डाला साले ने, और इसके पास भी हेलमेट तो था नहीं, हेलमेट अब हम ले ही नहीं सकते, हेलमेट अब किसी के पास भी है ही नहीं यार, क्या ही बचाऊँ अब मैं। इधर एक हेलमेट है ब्लड, लेकिन ढेर सारे बंदे भी है यार, और 4 किल हो चुके हैं, ओनली 16 बंदे बचे यार। इसके लिए मैं कोई रिस्क लेना चाहता हूँ नहीं, उसका सामान भी यार डिस्पोन हो गया, मतलब क्या ही बताऊँ। और यार देखते हैं कोई बंदा आके थप्पा ना कर जाए, जोन भी अपने पास है थोड़ा सा, तो इसके लिए कोई डरने की बात है नहीं यार। और यार कोई ठीक से बंदा कोई मारने ना आए तो अच्छी बात है, 15 बंदे भी बचे यार, वाह, मतलब इस बार हमने बहुत ही ज़्यादा अच्छे से खेला है, 15 बंदे अभी भी बचे हैं तो अच्छी बात है। हम 15 टॉप 15 में तो आ ही चुके हैं, टॉप 13 में है अब हम भी। और यार अब घर में मैं इसके लिए ले रहा हूँ, बिकॉज अभी किसी ने मार दिया ना, कोई तो गोली मारने की कोशिश कर रहा है। और ये रहा साला, आ जाना दम में तो मार ले, हम कहाँ तेरे को मना कर रहे हैं। और यार इधर से किसी ने तो मुझे मारने की कोशिश की थी, तो आई थिंक वो अब इधर से भी आएगा, और इसके पास भी सेम कलर है तो मुझे भी इसे मारना पड़ेगा, बिकॉज यार देखो इसके पास हेलमेट है तो मुझे हेलमेट भी चाहिए। और यार इधर भी एक बंदा आ चुका, जल्द से जल्द हेलमेट ले ले यार, बाद में बाकी चीज़ें तो बाद में लियो जल्द से जल्द। यार क्या ही बोले, टॉप 10 में हम आ चुके थे और फिर हम मर गए 5 किल के साथ। बहुत ही अच्छी गेम है अपनी ये तो, और हमें यार 50 रुपीज़ भी मिल चुके हैं यार। लेकिन ये जो हीरे होते हैं इसका इसमें क्या काम है, कमेंट में बता दो यार, मुझे सच में नहीं पता है कि इसका क्या काम है। और यार मैंने एक ये पैंट अनलॉक की थी अपने लिए, सो अच्छी है कि नहीं कमेंट में बता देना ये भी साथ साथ में। और यार अब देखते हैं एक और मैच हो जाए, हाँ यार एक और कर लेते हैं, सो देखते हैं ये मैच भी हम जीतते कि नहीं। वैसे इसमें तो टॉप 10 में हम आ चुके थे, और अच्छे खासे किल थे 5 किल अच्छे ही यार। और ठीक है चलो, तो अब एक गेम और हो जाए। और यार बस गेम इसमें अगर आपको जीतना है ना, सबसे पहले उतरते ही आपको एक अच्छी सी गन मिल गई ना, तो जीतने का चांसेस आपके बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ओके सो ये है इसकी एक टिप्स एंड ट्रिक। सो ठीक है, और यार मैं इधर हैंगर में उतरूँगा इस बार, जो ये ब्लू कलर का सबसे बड़ा है ना इधर। ओके बिकॉज यार देखो हैंगर में ढेर सारी गोरी मिलती है मतलब गन। सो इसके लिए ट्राई करते हैं मिलती है कि नहीं, इधर तो मैं भी फर्स्ट टाइम ही आ रहा हूँ। और देखते हैं यार, इधर ढेर सारे बंदे उतरते हैं, ये पूछेंगे की तरह ही है, आपको कितना पता दो वो तो मैं बता दूँ, लेकिन यार अगर जीतना है तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा ना। और यार हम गलत जगह पे उतर गए, इधर तो दरवाज़ा ही नहीं है, जल्द से जल्द दौड़ते बे दौड़ना, क्या मरवाएगा क्या तू भी। और यार गन मिल जाए एक अच्छी सी, स्कार हलाते ही मिल चुके, वाह अब देखो क्या ही खेलेंगे हम। स्कार मिल चुकी है, चलो अब आएगा ना खेलने में मज़ा, बिकॉज यार आते ही स्कार एल मिल चुके हैं। बट यार कोई पीछे से थप्पा ना कर जाए मुझे, इसका ही डर रहता है हर बार।
और अपने पास एक तो बैंडेजेस भी नहीं है। चलो हर एक चीज़ ले लेते हैं, शॉर्ट गन भी अभी के लिए तो रह ही रहते हैं। चलो ना, फिर ऐसा होगा तो दूसरी गन के साथ एक्सचेंज कर डालेंगे, अभी के लिए तो अच्छी बात है। और एडिटर ढेर सारे बंदे उतरे, सच बताऊँ ना तो इसके लिए थोड़ा सा तो डर रखना ही पड़ेगा। यानी यार बहुत डरना भी नहीं है इसमें, ओके ना। सो चलिए इधर सेट आप जाते हैं और अब देखते हैं। सो यार शॉर्ट गन की जगह पर मैं ये गन ले रहा हूँ, ओके ना, बिकॉज ये गन मुझे ज़्यादा पसंद है। और यार एक मेड किट भी आ चुकी है अपने पास, लेकिन सिर्फ एक ही मिल चुकी है, ज़्यादा नहीं मिली। लेकिन ठीक है, चलो तो अब इधर से सीढ़ियाँ चलते हैं ऊपर। एक अच्छी सी यूज़ी गन है, बट यार यूज़ ही नहीं ले रहे हैं, बिकॉज उससे भी अच्छी गन अपने पास है। पिस्टल साथ में रख लेते हैं, काम आएगी यार बाद में अगर हम हारेंगे, मतलब अपने पास अगर एमओ कम पड़ जाएगी ना तो ये अपनी मदद कर सकती है। साथ में पिस्टल, इसके लिए मैंने पिस्टल भी ले ली है। और यार अब देखते हैं क्या है, कोई बंदे तो इधर आने का नाम ले नहीं रहे, लेकिन यार ढेर सारे बंदे हैं तो सही, ओके ना। और देखो ये थोड़ा सा इसका ग्लिच कह सकते हो या जो भी कहो। तो यार अब देखते हैं, जूम करके देखते हैं। चलो वैसा कोई आ नहीं रहा, मैंने सीढ़ी पर इसके लिए ही हम कोई भी आ जाए तो हम उसे मार दे। थोड़े से यार बंदे कम हो फिर हम नीचे जाते हैं, वरना आते ही हम मर जाएंगे। और मुझे मरना है नहीं, नीचे ही एक बंदा है यार अपने, एकदम नीचे ये रहा। आ जा बे, ऊपर आना, दम है तो ऊपर आ, मैं तो नीचे नहीं आ रहा गाइस। मैं नहीं नीचे जाना चाहता, बिकॉज अगर मैं नीचे गया तो वो मुझे मार भी सकता है। और यार वो किधर गया मुझे नहीं पता, आई थिंक वो नीचे ही कैंपिंग कर रहा है। क्या लगता है भाई साहब, आपको होगा क्या नीचे? नहीं है यार, कोई भी नहीं है। तो फिर वो किधर गया, बाहर निकल गया होगा आई थिंक। तो अपने पास भी तगड़ी गन तो है, इसके लिए डरने की बात है नहीं। जीरो के लिए वैसे अपने भी अच्छी बात है, अच्छी तो बात है नहीं बट ठीक ठाक है, बच तो रहे ना, एटलीस्ट मर तो नहीं गए ना हम भी। अब यार मुझे अभी किल चाहिए, मैं नहीं कर रहा कुछ भी, मैं सीधा ही बाहर निकल जाता हूँ। एक रहा वो बंदा रहा, आ जा बे आ जा। अरे यार मार मत, हेलमेट तोड़ दिया साले ने। रुक जा प्लीज, मत मार मेरे दोस्त। दोस्त थैंक यू यार, तू तो सच में दोस्त निकला, लेकिन मैं दोस्त नहीं हूँ तेरा। सबसे पहले बीच में सबसे पहले हम मेड किट का यूज़ करते हैं, इसके लिए मैं नहीं निकल रहा था गाइस। सो वापस अंदर जाते, चलो जल्द से जल्द अंदर चला जा बे, कोई इतना कोई थप्पा कर दे। अरे यार बाहर कहाँ निकल रहा है बे, चुपचाप अंदर जाना, नौटंकी यार तेरी भी बढ़ चुकी है। तो यार लेवल 1 का नहीं चाहिए, लेकिन ठीक है अभी अपने पास इतना ज़्यादा सामान है नहीं। 0 मेड किट है यार, सबसे पहले मेड किट है क्या इधर, प्लीज़ यार एक मेड किट तो मिल ही जाए। नहीं है गाइज, मेड किट ही नहीं है अपने पास, 0 मेड किट है। मतलब हीलिंग कैसे करेंगे अगर हम यार किसी ने गोली मार दी तो? हीलिंग तो हो ही नहीं सकती, अगर कोई भी गोली मार के चला जाएगा तो। सबसे पहले हम इधर आ चुके तो बैठ जाते हैं यार, कोई भी बंदा होगा तो मार देंगे इधर से ही। एक ओपन एरिया में हम भी आ चुके हैं यार, देखते हैं अब यार कोई आता है कि नहीं आता। सो ठीक है, एक बंदा उधर से निकला है और दूसरा ये रहा, लेकिन यार अभी के लिए मैं बाहर आना ही नहीं चाहता। उन दोनों की लड़ाई देखते हैं कैसी है, कोई इधर से आएगा तो थप्पा कर देंगे। और यार जोन भी अभी बन चुका है इधर ही, या पास में तो प्रॉब्लम है नहीं। एक किल है अपने और यार 26 अलाइव है अभी भी, तो मैं तो कह रहा इधर ही रहते हैं, बचने के चांसेस है इधर। और वो दोनों की अच्छी खासी लड़ाई हो चुकी है और मैं इधर बैठा हूँ चुपचाप, ताकि यार मैं मरूँ नहीं। और उन दोनों की अच्छी खासी लड़ाई हो रही है, तो अच्छी बात है यार, जितने ज़्यादा मरेंगे उतना हमें जीतने में फ़ायदा होगा। सो ठीक है, हमें अभी 21 बंदे और बचे हैं, देखते हैं यार अब हम एक किल और कर लेंगे अगर कोई आया तो। सो ठीक है, एक बंदा अपने ही होम में आया आई थिंक, सो आई थिंक वो ऊपर भी आएगा, अगर ऊपर आएगा तो हम भी उसे मार ही देंगे, ओके ना।
हमें डरना भी नहीं है यार। इधर ढेर सारे बंदे हैं, देखो नीचे से ही गोलियों की आवाज भी आ रही है। सो वो दोनों ही लड़ रहे हैं। वुल्फ ने स्वॉर्ड को मार दिया। ओके यार वही है, अच्छी बात है। चलो मेडकिट जीरो, इसके लिए मैं सामने से जाना चाहता हूँ नहीं। और यार ढेर सारे नीचे आके ही लड़ रहे हैं अपने एकदम अपने, हम जो इस छत पर बैठे हैं ना उसके ही नीचे वो सब है। ठीक है सो कोई ऊपर ना आ जाए प्लीज़ यार, वरना मुझे उसे मारना पड़ेगा। ओके ना सो ठीक है, हमें यार अब 13 बंदे ही अलाइव हुए सो अच्छी बात है। चलो अपना एक ही किल है यार, लेकिन एक तो अगर हमें फिर भी करना ही पड़ेगा लास्ट में भी। और मैं सोच रहा हूँ कि अगर इधर ही जोन बन जाए एक और, वैसे तो नहीं बनेगा यार, मुझे इधर से तो जाना ही पड़ेगा। वैसे अपने ही होम के नीचे लड़ाई हो रही है, इसके लिए यार मैं चुपचाप इधर कैंपिंग कर रहा हूँ, बैठा हूँ चुपचाप से। और यार इस गेम में लेट नहीं सकता। और एक बंदा आते हुए और मैंने उसे भी मार दिया है। साला मेरे को मारेगा बेचो, इसके पास से एक आध बैंडेज मिल जाए यार, एक आध बैंडेज ओनली, यही चाहता हूँ मैं। थैंक यू ब्रो, हेलमेट भी दे दिया और तूने बैंडेज भी साथ साथ में दे दी। लेकिन इधर यार ऊपर रहना है, ठीक है ओके ना, ऊपर ही रहते हैं हम। एक बंदा इधर से उस घर में गया है और मैं चुपचाप इधर ही खड़ा हूँ कैंपिंग कर रहा हूँ। 10 बंदे ही बचे, एक और इधर आने की कोशिश कर रहा था तो उसने भी नीचे से किसी ने तो मार दिया उसे भी यार। और बस अब 8 बंदे बचे, सिर्फ 8 बंदे, उसमें से एक हम है, यानी कि हम भी टॉप 8 में आ चुके हैं। और ढेर सारे बंदे नीचे लड़ाई कर रहे हैं यार। सो प्लीज़ सोन ना बने और सब तक सब मर जाए, बस एक बंदा बचे जिसे मैं मार कर जीत जाऊँ यह मैच। मैं तो ऐसा ही चाहता हूँ, बोट ने साहब जी को मार दिया, वाह, मतलब नाम भी बोट है और साहब जी को मार रहा है वो भी, नाम तो देखो बंदों के। और यार बस कोई मारे नहीं, अपने होम के पास कोई है नहीं अभी के लिए, तो इधर से कोई छप्पा ना करता है, मैं ऐसा सोच रहा हूँ। एक बंदा उतर जाते हुए देख सकते हो आप भी। और यार अब जोन कभी भी बन सकता है, ओनली 10 सेकंड में जोन भी बन जाएगा तो मुझे भी इधर से निकलना पड़ेगा। 4 बंदे ही सिर्फ बचे हैं सो अच्छी बात है, इसके लिए मैं इधर खड़ा हूँ। आप भी सोच रहे होंगे बिकॉज यार जोन स्टार्टेड, जोन बन गया है आई थिंक, तो यार जोन बन जाएगा अभी के लिए ही और फिर मैं मर भी सकता हूँ। और यार 4 बंदे ये लाइव है सो इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा कुछ करने की सोच नहीं रहा हूँ, जोन बन चुका है। लेकिन यार अभी भी हम तो जोन में ही है तो प्रॉब्लम है नहीं कोई, अच्छी बात है हम तो जोन में ही है। और अभी भी 4 बंदे लाइव है यार, बस 2 बंदे बच जाने चाहिए, एक हम और एक दूसरे। एक बंदा उधर कहीं पर तो फिर रहा है सो ठीक है, अब देखते हैं यार। 4 बंदे अभी भी लाइव है, क्या ही बताऊँ। सो एक और रहा, देखो इधर ही है, लेकिन यार मैं मानना नहीं चाहता अभी के लिए, वरना अगर हम भी मर जाएंगे साथ साथ में तो। अभी 3 ही बंदे बचे हैं और बस अब एक बंदा उसे मार देना, फिर 2 बंदे बचेंगे, फिर मैं उसे भी मार दूँगा। चलो ये गेम तो मैं जीतनी ही जीतनी है यार, किसी को भी पता नहीं है कि हम इधर खड़े हैं, अच्छी बात है। सो यार अब देखते हैं, बस 3 बंदे ही बचे, उसमें से एक तो हम हैं, यानी कि अभी 2 ही बंदे अलाइव है। इधर कोई तो आ जाए और उसे मैं थप्पा कर दूँ। और यार अब सिर्फ एक बंदा बचे ना तो ये अच्छी बात है, और उन दोनों की भी आई थिंक तो लड़ाई हो रही है, तो देखते हैं यार अब कौन जीतता है कौन नहीं। वीडियो थोड़ी लंबी होगी तो सॉरी, बिकॉज यार इसमें हमें जीतना है तो थोड़ी सी तो वीडियो आपको लंबी देखनी ही पड़ेगी। सो अब देखते हैं यार कौन जीतता है कौन नहीं। और यार अब बस 2 ही बंदे नहीं 3 बंदे अभी बचे हैं, और यार वो पता नहीं क्यों लड़ नहीं रहे हैं। और अभी 3 मिनट के बाद जोन बचेगा तो इसके लिए मैं अभी तो इधर से नहीं हिल रहा। ये आइडिया अच्छा है, कैंपिंग कर रहे हैं हम भी इस बार तो, अच्छी बात है। चलिए अब देखते हैं यार क्या ही बताऊँ, अब मैं कब से कैंपिंग कर रहा हूँ और वो बंदे लड़े जा रहे हैं। और यार अब मुझे भी जोन में आई थिंक तो जाना ही पड़ेगा। वो दोनों बंदे एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं तो मैं भी सोच रहा हूँ कि अभी मैं चला जाऊँ उधर, वरना यार अब जोन कभी भी बन जाएगा। वैसे तो 3 मिनट है अभी भी,
और यार वो दोनों का क्या ही समझ में नहीं आ रहा कि क्या ही कर रहे हैं वो। एक आध को मारो ना तो मैं तुम्हारे साथ आऊँ और फिर तुम्हें भी मारूँ मैं। गाइस ऐसे तो मैं बाहर निकलने वाला हूँ नहीं। सो ठीक है, ये अपना ओनली कैंपिंग चैलेंज भी बन चुका है यार। अच्छी बात है, चलो तो अब देखते हैं। एक बंदा तो इधर ही कहीं पर तो है यार, एकदम ही पास में, और वो गोलियां ऐसे ही चलाए जा रहा है और मैं इसके लिए बाहर निकल रहा हूँ नहीं। ओके सो देखते हैं अब यार, एक बंदा बस मर जाए ना तो फिर मैं बाहर निकलूँ। बिकॉज यार वरना अब लास्ट लास्ट में हम भी मरेंगे तो क्या ही बताऊँ मैं अब आपको इसके लिए। लेकिन यार अब कैंपिंग अच्छी नहीं है, अब मुझे आई थिंक निकलना ही पड़ेगा। बॉस कभी भी जोन बन सकता है। निकल जाओ क्या गाइस? नहीं 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 इधर एक बंदा है, इधर एक बंदा है। नहीं निकल सकता गाइस, वो रहा एक बंदा गाइस, अब देख सकते हो उधर ही एक बंदा है। मैं तो सोच रहा हूँ उसे जाकर थप्पा करते हैं। चलो यार अभी बहुत ही ज़्यादा हो गया, तो चलिए जल्द से जल्द जाके उसे भी थप्पा कर देते हैं यार। बिकॉज अब पता नहीं कि क्या ही होगा यार, वैसे मुझे लास्ट में हारना है नहीं। और वो रहा, उसने भी मुझे देख लिया है, उसने भी मुझे देख लिया गाइस। यार मार मत, उसके पास बहुत तगड़ी गन है। लेकिन गाइस अब हम जीत सकते हैं, बस जल्द से जल्द एक आध हेलमेट मिल जाए। जल्द से जल्द हेलमेट कर और हील कर खुद को जल्द से जल्द। ये मैच अपन को जीतना ही है किसी भी हाल में। और ये अब तो मैं जोन की तरफ भागे जा रहा हूँ, बस ध्यान रखना कि पीछे से कोई आके मार ना दे। और यार उधर ही एक बंदा है, तो चलिए अब उसको भी मार ही देंगे। और यार मैं थोड़ा सा हिल रहा हूँ, और यार अब चलो इसे भी मारते। मर गया गाइस, हम अकेले ही बच्चे हैं, तो आई थिंक हम जीत चुके हैं। विनर विनर चिकन डिनर, तो यार इस बार हम जीत ही चुके हैं। वाह, ओनली एंड ओनली 4 किल के साथ ही ये मैच हम जीत चुके हैं। मैं यार एक मैच फर्स्ट टाइम ही जीता हूँ, तो अच्छी बात है। चलो यार ये मैच हमने जीत लिया। और यार आज के वीडियो के इतना ही, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बगल वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और गाइस कमेंट करना मत भूलना। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।